अस्सलाम वालेकुम, मैं शाह शब खुश आमदी बात करेंगे झोंक सरकार के एपिसोड नंबर 12 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा मीर साई आपने उन दोनों की बातें सुन लेता है, उससे पता चल जाता है नूरी को जाहिर किसी और ने नहीं बल्कि इन्होंने दिया भी। वो पंचायत को बुलाता है और मुलाजमा को कहता है कि सपेरे को बुलाया जाए और सांप को लाया जाए और रो रो के बुरा उसका हाल हो जाता है। वहीं अरसान के लिए एक चिट्ठी छोड़ती है और वो काफ़ी खुश भी होती है क्योंकि वह पढ़ने लगती है और जाके अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करती है और अरसान को कहीं ना कहीं वो पसंद भी करती है। वहीं इकबाल एक खबर लाता है तो उससे मुलाजिम पूछता है क्या ये खबर सच्ची है, कहता है हाँ बिल्कुल इसमें कोई भी झूठ नहीं है। वहीं पे वो कहता है कि अब अगर ये सच हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। अरसान निकल जाता है अपनी गाड़ियाँ लेके और दूसरी तरफ मीर साई के बेटे को वो कहता है कि अगर आपने दुश्मन को मारना है तो उसको निहत्ता मारना चाहिए ताकि उसका बचने की कोई भी उम्मीद बाकी ना रहे। अब देख रहे हैं ये आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या अरसान की जान अब इस पर जाएगी क्योंकि वो अपनी एक तो भड़ास निकाल रहा है कि शायद जो सही के साथ उसका कुछ सीन चल रहा हो और ऐसा कुछ भी नहीं होता, और दूसरी तरफ नूरी को इंसाफ मिल सकेगा या फिर नहीं। आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए जो दीजिएगा।